हेलो गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू टेस्ट अनन्या सिंह योर इंग्लिश मिनट स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि आपके आने वाले हैं एग्जाम्स जिनमें उनमें एसएससी सीजीएल सबसे पहला एग्जाम है तो सबसे पहले मुझे बताइए ऑडियो वीडियो मेरी एकदम चकाचक क्लियर है सबको बता दीजिए कॉमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख के ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम चकाचक है कि नहीं एवरी प्लीज ट्राइड डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स चलिए झट से बताइए हमको सब कुछ क्लियर बता दीजिए जल्दी जल्दी से एवरीवन ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट चलो सब क्लियर है बढ़िया एकदम चकाचक तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ हम भी बस जाके एक बार टेलीग्राम पे मार्क कर दें दैट द सेशन इज लाइव ठीक है चलो ठीक है अब आप में से जितने लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है ये है आपके पास लिंक ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको टाइमली नोटिफिकेशन चाहिए है ठीक एंड टाइमली नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ uh, भी चाहिए है तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ना अब क्योंकि बहुत ही लेजी आफ्टरनून होने लग गए हैं और इस लेजी की को भगाना है हमें सेशन में पूरी एनर्जी के साथ ठीक है है ना तो बिल्कुल भी यहां पर शो नहीं करनी है। पहला आपके सामने आने वाला है फुल एनर्जी के साथ उसका आंसर दीजिए और सेशन को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर ऑन द स्क्रीन बताइए पहला आपका क्वेश्चन जो है वो वॉइस का क्वेश्चन है सी कौन इसका आंसर देगा he gave Kaveri a beautiful yellow dress. बताइए He gave Kaveri a beautiful yellow dress. कौन इसका आंसर बताएगा मुझे आपका वॉइस चेंज करनी है इसमें कितना आसान सवाल है कुछ सेकेंड का क्वेश्चन है ये ऑप्शन नंबर ए वॉइस में कभी टेंस चेंज नहीं होता गेव से पता चला कि ये तो सिंपल पास टेंस है दिस इज सिंपल पास इज है सिंपल पास्ट ऑप्शन नंबर वन यही हमारा सही आंसर है ठीक अगला सवाल देखिए इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट डिड नॉट वरी क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए सभी लोग देखते हैं कौन इसका आंसर देता है इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट डिड नॉट वरी बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग डिड नॉट वरी सीरियसली डिड नॉट वरी तो यहां पर होगा ही नहीं पूरा स्टेटमेंट आपका प्रेजेंटेंस में चल रहा है तो इफ यू क्या लिखा है इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट डू नॉट वरी ऑप्शन आंसर डू नॉट वरी ठीक अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए और जल्दी से मुझे इसका आंसर अच्छा बताइए आपके सामने है ये वाला ताना चंबल चलिए इसका आंसर अच्छा दीजिए जल्दी जल्दी से फटाफट से सभी लोग आंसर बताओ सब लोग कौन इसका सही आंसर देगा फाउंडेशन कोर्स मेरा जो बेसिकली uh, आपके लिए क्रैश कोर्स मेरा आ रहा है सीएचएसएल का तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो ठीक डू नॉट वरी डोंट वरी अलग अलग नहीं है सेम है अलग अलग गिवन था क्या वहां पे? एक सेकेंड एक सेकेंड अलग अलग नहीं है डोंट वरिड लिखा हुआ था वहां पर ये तो देखो यार आपको कंफ्यूज करने के लिए डोंट वरिड लिखा हुआ था डू नॉट वरी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट वरी ठीक डिड नॉट गलत है यहाँ पे अब बताइए मुझे इसका सीक्वेंस क्या लग रहा है आप लोगों को आंसर आना शुरू हो गए हैं लोगों का कहना है ऑप्शन नंबर फोर आंसर होगा चलिए देखते हैं टेस्ट बुक पे जाके आपको मेरा बैच मिल जाएगा ठीक सीएचएसएल का मॉक टेस्ट सॉरी मॉक टेस्ट नहीं क्रैश कोर्स टेस्ट बुक पे अवेलेबल है मेरा क्रैश कोर्स सीएचएसएल का आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं गाइस ए एन ट्वेंटी फॉर एक्स्ट्रा ट्वेंटी डिस्काउंट ऑन दैट बैच और लिमिटेड सीट्स बची हुई है क्रैश कोर्स की जो कि प्रोबेबली एक वीक से स्टार्ट होने वाला है चलिए आंसर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर फोर दिया है बिल्कुल सही आंसर है स्टार्टिंग किससे हो रही है इंस्पेक्टर का डायलॉग सबसे पहले आएगा इंस्पेक्टर और गार्ड के बीच में बात हो रही है वर यू स्लीपिंग वेन रॉबर्स इंटर द बैंक नो सर इसका रिप्लाई है तो एडी यहां पर क्या है इसका रिप्लाई डी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फोर इस द आंसर क्योंकि ए डी मेक्स अ पेयर ठीक पेयरिंग से करके आपको सीधे सीधे से आंसर मिल जाएगा अगला सवाल देखिए ड्रॉ द लाइन एट समथिंग क्या बोल रहा है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग आंसर बताओ सब लोग किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्सेप्ट करना दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग द लाइन एट समथिंग एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑप्शन नंबर थ्री आंसर दिस इज कॉल्ड ड्रॉ द लाइन एट समथिंग ठीक है अगला सवाल देखो और झट से मुझे इसका आंसर दो सारे लोग देखिए कौन इसका आंसर दे पाता है ओके okay. नींद आने का समय है लेकिन इस टाइम नींद पर जिसने जीत हासिल कर ली है ना सिलेक्शन उसी का है समझ लीजिएगा क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है सोच लो कि आधे बच्चे सच में सो रहे हैं लेकिन जो विनर्स होने वाले हैं जो हमारे फ्यूचर विनर्स हैं सिलेक्शन उन्हीं का होना है ठीक है ना फ्यूचर विनर्स का वो नहीं सोएंगे वो अपनी नींद क्या करेंगे वो पढ़ाई पे ज्यादा टाइम लगाएंगे है ना इसलिए थोड़ा सा खुद को जगा के रखो ठीक है ना बताइए सभी लोग क्या लग रहा है इसका आंसर सबके आंसर देना है यहां पर हर एक स्टूडेंट को बताओ एरर ढूंढनी थी इसमें क्या एरर है इसमें सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म हैव है ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ क्या होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस नहीं होना चाहिए टू रेज अवेयरनेस होना चाहिए हमको ये बताओ अवेयरनेस के बिहाफ पे कोई सेंस बन रहा है यार आप लोग क्या बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते हो क्या रट्टू तोता हो आप लोग बताइए रट्टू तोता हो, हो क्या कि जो रूल रटे हैं बस उसी के बेसिस पे आंसर दोगे यार पूरा मतलब तो समझो इसका पूरा मीनिंग तो समझिए क्या कह रहा है सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव स्टारेय ऑन द टेलीविजन ऑन द अवेयरनेस के बिहाफ पे नहीं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए टू रेज अवेयरनेस हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑन द की जगह टू रेज अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन समझ में आई ये चीज आप लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हैंड हाइजीन से रिलेटेड ठीक है तो आंसर क्या हो गया आपको ऑप्शन नंबर विच वन इज दंसर थ्री इज दिला जीतने का एक आईपैड सिर्फ दो दिन है दो विनर्स यहाँ पे बचे हुए हैं तो टेस्ट बुक पास आपके पास नहीं है तो ले लीजिए हर दिन मॉक टेस्ट देने का मौका है आपके पास बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं बहुत मुश्किल होता है तो एन पास आप ये कोड अगर यूज करते हो टेन परसेंट का डिस्काउंट तो मिलेगा ही इसमें यानी कि तीन सौ साठ में डेढ़ साल का टेस्ट बुक पास मिल जाएगा जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं प्लस ये कोड यूज करते ही आपका नाम आ जाएगा लकी ड्रॉ में और एक विनर जीतेगा एक दिन में आईपैड हमारी तरफ से टेस्टबुक बुक टीम की तरफ से चलिए अगला सवाल है आपके सामने आंसर बताओ फास्ट गाइस कुमोन जल्दी जल्दी से सब लोग मुझे इसका आंसर दीजिए ओके ऑल राइट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बोला है राइट। काउंटर क्लर्क आज द विजिटर हिज नेम ऑप्शन नंबर फोर सिंपल ठीक चलो अगला बताइए वन वर्ड सब्सिट्यूशन कौन इसका आंसर देगा बैच आपका से है और धीरज टेन क्लास भी आपके MTS के लिए है टेन में क्लास होती है नाइन ए एम वन पी एम थ्री पी एम टेन पी एम ये चार क्लासेज मेरी यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है पहली जो क्लास है नाइन एम वाली वो सारे एस एस सी और डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए है वन पी एम वाली क्लास एस एस सी एम टी एस के लिए है थ्री पी एम वाली सी जी एल के लिए है और रात वाली सारे एस एस सी और डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए है स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सबके नोटिफिकेशन और पी डी एफ आपको मिल जाएंगे अब बताइए आंसर कुछ लोग कह रहे हैं मिडले बिल्कुल सही आंसर है और क्रेस्टा क्या होता है ग्रुप ऑफ इंट्रोमेंटालिस्ट होते हैं जो मिलकर बजाते हैं गाते बजाते हैं मिडले होता है म्यूजिक कंपोजिशन डिफरेंट शॉर्ट पीसेस को जोड़ जोड़कर अलग अलग गाने छोटे छोटे जोड़े जाते हैं ना जो शादी वगैरह के सीडी uh, में डाले जाते हैं मूवीज में डाले जाते हैं उसको मिडले बोलते हैं लिरिक बैंड तो आपको पता ही है ठीक चलो अगला सवाल बताइए फिल इन दी ब्लैंक का क्वेश्चन है बेहद आसान सा देखे कौन इसका आंसर दे पाता है बिल्कुल होता है अवेयरनेस के साथ रेस का यूज किसने कहा नहीं होता है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए बताओ आंसर वी आर बेविल्डर्ड बाय द पावर विथ साइंस है प्लेस्ड इन आवर लैब्स एंड वी आर डैश बाय द रियलाइजेशन ऑफनेस टू डी क्या हो सकता है जो लोग प्राउड बोल रहे हैं गाइस प्राउड के बाद ऑफ लगता है बाय नहीं लगता है प्राउड तो सीधे सीधे यहां पे एलिमिनेट हो जाएगा कॉन्डेम नहीं होगा वी आर हंबल्ड बाय ड बाय ठीक है ना हम्बल्ड का मतलब क्या होता है कम गर्व महसूस करना बहुत ज्यादा गर्व नहीं थोड़ा सा गर्व महसूस करना बहुत ही कम गर्व महसूस करना हम्बल होना क्योंकि अब क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो हम्बल होंगे ना गर्व थोड़ी ना महसूस करेंगे ऑप्शन नंबर टू द आंसर हम्बल्ड समझ में आया डिमीन का मतलब क्या होता है किसी की बेजती करना अपमान करना तो ये तो सही आंसर है नहीं ठीक ऑप्शन नंबर टू इस द आंसर अगला सवाल देखिए और बताइए क्या लग रहा है इसका जवाब जल्दी से बताओ आंसर सभी पोस्टर होना चाहिए बैनर का सिरिम पूछा है ना आपसे बिल्कुल सही है पोस्टर रैली पोस्टर मार्च क्या होगा पोस्टर ठीक अगला सवाल बताइए नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है यहां पे इन करेक्टली वर्ड सिक्रीट पिटाइट इलाइट या फिर कॉन्क्रीट क्या आंसर है बताइए देखें कौन सही जवाब यहां पर दे पाता है मैथ फॉर्मूला राकेश बिल्कुल सही आंसर है पेटाइट की स्पेलिंग होती है ई टी आई टी गाइस पेटाइट इज ई टी आई टी ई ठीक है समझ में आया पेटाइट का मतलब क्या होता है बहुत ही पतला दुबला बेसिकली ये गर्ल्स के लिए यूज होता है गाइस जो बहुत ही लीन एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं उनके लिए पेटाइट यूज होता है सो इट इज ई टी आई टी ई ई टी आई टी ई दिस स्पिटाइड ठीक क्लियो चलो अगला सवाल है आपके सामने इसका मुझे आंसर दीजिए सब लोग फटाफट से क्या हो जाएगा दर्मी मार्च फियरलेस टूवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट देखें कौन इसका आंसर देता है आंसर बताओ सारे तुरंत सही आंसर आ गए एक्यूरेसी इज वेरी गुड वेरी वेरी गुड गाइज फैंटेस्टिक बताइए जरा झट से सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा इसका मार्च क्या है मार्च एक वर्ब है मार्च एक वर्ब है तो उसके साथ हमको क्या लगना चाहिए क्या लगना चाहिए एड वर्ब लगना चाहिए तो मार्च फियरलेसली लेस फियर लेस ली ऑप्शन नंबर फोर इस द आंसर ठीक है चलो अगला सवाल देखिए फेकंड टर्म कौन इसका आंसर देगा एफ ई सी यू एन डी फेकंड जीनियर पोलाइट रूड बैरन वॉट्स द राइट आंसर जल्दी से बताओ फटाफट से दर्ड इज फैकंड फैकंड का मतलब क्या होता है कोई चीज जो हाईली फर्टाइल है बहुत उपजाऊ है जो चीज वो फैकेंड कहलाती है बहुत उपजाऊ highly fertile और आपसे पूछा है एंटोनम फर्टाइल का एंटोनम क्या होता है barren बाकी सारे वर्ड्स सो इजी है जीनियल का मतलब होता है गाइस फ्रेंडली है ना बहुत ही फ्रेंडली टाइप का जिसका नेचर होता है ठीक है सेशन को लाइक तो मुझे लग नहीं रहा आप लोग कर रहे हो इतनी डलनेस से है सेशन में एक बार सेशन को लाइक करके आइए पहले सारे लोग एंड शो मी कि आप लोग यहाँ पर हो अभी इंटरेस्टेड हो सेशन को लेकर पता चलना चाहिए मुझे चलिए भाई फटाफट से सेशन को लाइक करके आइए झट से फिर अगले सवाल का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखकर जल्दी से इसका आंसर बताओ सब लोग क्या हो जाएगा अब्सॉल्व का आपको बताना है अब्सॉल्व का मतलब क्या होता है दंड से मुक्ति किसी के ऊपर जो आरोप लगा है उसको हटा देना अब्सॉल्व होता है तो पार्डन माफी पार्डन का मतलब माफी होता है कॉन्डेम का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप बेसिकली लगाना किसी की आलोचना करना अटैक भी सिमिलर है तो आंसर इज पार्डन क्योंकि हमको सिनोनिम बताना था ठीक अगला बताइए द स्टेट ऑफ बींग सब्जेक्ट टू डेथ द स्टेट ऑफ बींग सब्जेक्ट टू डेथ कौन इसका आंसर देगा सब लोग मुझे जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट पत से बिल्कुल वट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कमॉन एवरी वन मोरटैलि पक्का बिल्कुल सही है स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट जो इंसान आया है वो जाएगा ही एक टाइम पे इंसान को या फिर किसी भी चीज को खत्म होना ही होना है ये चीज मोर्टैलिटी कहलाती है डेडली क्या है जो चीज मृत्यु का कारण बन सकती है वो चीज डेडली होती है मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है इस किसी बीमारी से पीड़ित होना और इमोटैलिटी इसका जस्ट उल्टा जिसको जो कभी खत्म ना हो वो चीज इमोटल होता है ठीक अगला सवाल बताइए अगला सवाल दोस्तों एक क्लोज टेस्ट है और क्लोज टेस्ट पांच क्वेश्चन को एक बार में सही कराता है तो क्लोज टेस्ट अपना सबसे स्ट्रॉन्ग रखिए क्योंकि ये आपके पांच नंबर एक साथ में आपको दिलाएगा ठीक तो पहला ब्लैंक आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मुझे इसका आंसर बताइए सभी लोग देखते हैं कौन इसका आंसर देता है सही तरीके से इंग्लिश के लिए कोई भी किताब आपके लिए सही हो सकती है बशर्त आप हर दिन अगर मॉक टेस्ट दो तो आप हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो चीजों को रिवाइज कर रहे हो प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर रहे हो किताब से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी किताब आपके लिए यूजफुल है ठीक है चलिए लोगों ने दिया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर इट शुड बी रिफर्स ठीक है अगला सवाल बताइए ब्लांक नंबर टू में क्या होगा सभी लोग जल्दी जल्दी से ब्लांक नंबर टू का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा देखे कौन इसका आंसर दे पाता है सी ब्लैंक नंबर टू इज ऑफ एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल सही है एटमोसफियर ऑफ द प्लानिट अर्थ है ना पॉजिशन के लिए तो ऑफ ही लगता है ब्लैंक नंबर थ्री बताइए चलिए ब्लैंक नंबर थ्री का आंसर सडन सेवरल सेपरेट या फिर यूजफुल संगीता अविनाश वेरी गुड several is the right answer absolutely right tick several activities yani ki kuch activities blank number 4 bataiye gradually frequently properly purposely क्या लग रहा है इसका सही जवाब होना चाहिए क्या सोचा है आपने gradually frequently properly या फिर purposely चलो gradually पक्का ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है ग्रेजुअली है ना इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर ऐसी जो एक्टिविटीज हम करते हैं उनसे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है ठीक चलो ब्लैंक नंबर फाइव आखिरी ब्लैंक है इस वाले क्लोज टेस्ट का बताइए जरा आंसर दीजिए सब लोग जल्दी से ग्लेशियर्स ओके okay. बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने ग्लेशियर्स बोला है एब्सोल्युटली राइट right. बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन ठीक चलो अपना स्कोर बताइए सबसे पहले मुझे आउट ऑफ फाइव आउट ऑफ फाइव स्कोर बताइए फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर जितने लोग यहां पर हो सब लोग मुझे आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से कमोन गाइज आउट ऑफ फाइव आपका क्या स्कोर है प्लीज राइट डाउन इन द comment सेक्शन everyone. फिर अगले सवाल का आंसर दीजिए फोर तो काफी लोगों का होगा मुझे इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट का स्कोर चाहिए है और सबके नाम मेरे सामने हैं। चलो No substitution होना चाहिए अच्छा पहला सब्जेक्ट है टीम मेंबर्स दूसरा सब्जेक्ट है जुड़े हैं अलोंग विद से तो so, रूल कहता है जब दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़ेगा तो जो वर्ब होगी ना वो तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को अग्री करेगी मिनिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब यहां पर सिंगुलर आनी चाहिए दिस इज एब्सोल्युटली फाइन नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड क्लियर टू एवरीवन अगला सवाल बताइए सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग छुपकर लिखना इसको क्या बोला जाता है कौन मुझे बताएगा मतलब बिना बोले आप लोग सेशन को लाइक ही नहीं करोगे है ना जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक सेशन को लाइक नहीं किया जाएगा क्यों ऐसा है क्या बताइए जल्दी जल्दी से सभी लोग सिफर जिसने पजल बोला है सीरियसली पजल यहां पर आंसर आ रहा है सिफर इज द राइट आंसर सिफर इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर टू सिंबल इम्बल इम्बल क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं इम्बल को किसी राष्ट्र या किसी संगठन का स्पेशल जो बैच होता है उसको सिम्बल बोला, बोला जाता है एम्बलम बोला जाता है ठीक है ना सिफर इज द राइट आंसर अगला सवाल है आपके सामने बताइए नरेशन का क्वेश्चन है देखें जरा कौन इसका आंसर दे पाएगा सब लोग लेट्स सी फटाफट से ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बोला है एब्सोल्युटली राइट एलास एक्सक्लेम्ड विद सोरो ठीक एक्सक्लेम विद दैट ही हैड

then here is the link please find the link in the comment box ठीक comment box में मैंने आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है फ्राइटेंड जिया ये simple सिंपल पास है तो स्पाइडर ऑन द वॉल वॉज फ्राइटेंड by जिया किसको लग रहा है अगर ये आंसर लग रहा है तो मुझे नहीं पता क्या ही आपका दिमाग चल रहा है दीवार पे बैठी स्पाइडर को जिया ने डरा दिया स्पाइडर को जिया ने डराया क्या जिया को डराया स्पाइडर ने जिया वो स्ट्राइट एंड ऑप्शन नंबर टू ठीक चलो अगला सवाल है आपके सामने बताइए इसका आंसर लेट्स सी मिस्टर राव आज द यू टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे कौन उसका जवाब देगा बताइए जरा जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग ही विल माइंडेड विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ठीक इफ ही वुड माइंड पहली चीज तो ये स्टेटमेंट आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है इनडायरेक्ट स्पीच में है तो विल माइंड की जगह पे लग जाएगा वुड माइंड ठीक ऑप्शन नंबर टू इस आंसर ठीक अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन इज है टू बी लाइट यूर्स अवे बताओ जरा टू बी लाइट इंस अवे का मतलब क्या होता है देखते हैं कितना दिमाग चल रहा है आपका अभी भी या फिर आधे नींद में है यहां पे बताइए जरा जल्दी जल्दी जो चीज क्या होती है बहुत दिन पहले आज से बहुत दिन पहले या बहुत दिन बाद समझ में आया आज से बहुत दिन पहले या बहुत दिन बाद कोई इवेंट है तो उसको बोला जाएगा एक्सट्रीम लाइट ईयर्स अवे होली इज लाइट ईयर्स अवे नाउ अभी तो होली निकली है तो होली इज लाइट ईयर्स अवे नाउ है ना ऑप्शन नंबर थ्री आंसर क्लियर अगला सवाल बताइए जल्दी से सभी लोग आंसर दो यार इतनी इतनी धीरे आप लोग आंसर कर रहे हो मतलब मुझे कमेंट सेक्शन स्लो लग रहा है नॉर्मली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं जो एनर्जी मुझे आज कम दिख रही है काफी ज्यादा बताओ सब द वार्डन पनिश द स्टूडेंट्स हु वायलेट्स द रूल ऑफ दॉस्टल

कौन देगा मुझे इसका आंसर चलिए देखते हैं अनकंफर्टेबल मछली को पानी से बाहर निकालते हो तो अनकंफर्टेबल हो जाती है ना तुरंत झटपटाने लगती है अनकंफर्टेबल इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स ठीक अब बताइए पौंड का मतलब क्या होता है पीओ आर वॉट डू यू ऑल मेन बाय पॉन्ड कमऑन एवरी वन स्पीड बढ़ाइए और हमें आंसर बताइए बिल्कुल जल्दी जल्दी से वॉट डू यू ऑल मेन बाय पॉन्ड जो आपसे पूछा है वो मुझे बताइएगा जल्दी से टर्मिनेट एजिटेट सेलिब्रेट मीडिएट क्या होना चाहिए पॉंडर का मतलब पता है क्या होता है चिंतन करना जिसको बोलते हैं आत्मचिंतन करना कर किसी सोच में डूब जाना है ना किसी चीज के ऊपर विचार करना इस चीज को गाय स्पॉन्डर बोला जाता है तो यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर दैट इज मीडिएट राइट आंसर इज मीडिएट ऑप्शन नंबर फोर क्लियर टू एवरीबॉडी क्लियर हो गया चले आंसर चले आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पारा जंबल और पारवा जंबल वो हिस्सा है वो पार्ट है जहां पर मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं बस आपको यहां पर गलती करने से बचना है क्योंकि आपको अपना वो हिस्सा स्ट्रोंग कर लेना देखो ईजी तो सबको आता है वो हिस्सा स्ट्रोंग कर लो जो बाकी लोगों से नहीं हो रहा है तो आप स्टैंड आउट करोगे ठीक चलिए बताइए क्या है इसका सही जवाब सब लोग ओके सी डी बी ए यहां पर आंसर आ रहे हैं मान लू सी बी डी ए को आंसर ओके okay. चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा टू सी डी बी ए ध्यान से देखो जरा पहला स्टार्टिंग है ठीक ध्यान से देखिएगा सी अ डॉग एंड अ कॉक इनकी स्टोरी है और ये यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो पहला स्टेटमेंट सी है ठीक है ना हैविंग स्ट्रक अप एन एक्वेंटेंस वेंट आउट ऑन देयर ट्रेवल्स टुगेदर देम किसके लिए लगा है कॉक और डॉग के लिए लगा है तो so, सी के बाद डी यहां पर पेयर बनाएगा ऑप्शन नंबर टू इस आंसर सी डी बी ए ठीक अगला सवाल बताइए द वर्ड इज ओबी क्या लग रहा है आंसर जल्दी से आंसर बताओ सभी लोग क्या लग रहा है यहां पे सही जवाब आंसर बताइए ओबीस का मतलब तंदुरुस्त हट्टा कट्टा मोटा सा इंसान ओबीस इज मोटा स्लिम पतला तो आंसर क्या हो गया स्लिम लार्ज स्टाउट ग्रीसी किसी ने आंसर ग्रीसी दिया था ग्रीसी का मतलब क्या होता है ग्रीस लगी हुई चीज ठीक स्टाउट का मतलब होता है फैट पर्सन कोई इंसान अगर इस टाइप का है तो वो इंसान स्टाउट है ठीक है ना ये इंसान स्टाउट है हट्टा कट्टा मोटा सा ठीक चलिए अगला सवाल है आपके सामने और ये है अगेन एक पैरा जम्बल पैरा जम्बल पे समझ लीजिए जिसने स्ट्रॉन्ग कर लिया है पैरा जंबल को वही है यहां पर समझ लीजिए विनर ठीक आंसर बताइए लेट्स सी आंसर बताओ ऑप्शन नंबर वन अच्छा बहुत सारे लोगों ने वन आंसर दिया है चलिए रीड करते हैं कि वन आंसर है कि नहीं शुभा नाम यहां लिखा है तो सी को पहला होना ही है इन दोनों को एलिमिनेट कर दो शुभा डिड रियली हैव अ क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस अब यहां पर या तो डी आएगा वैसे बी भी आ सकता है तो बी आएगा कि ए आएगा चलिए देखते हैं द टू काउस लिविंग इन देर काउ शेड दो देवर एवर हर्ड शुभावन अंडरस्टूड दिशियस मूवमेंट बिटवीन दर थोड़ा सा सेंस अनियर है बट सी ए मेक्स अ प्रॉपर पेयर है ना उनके नाम मैं और लिखा है कि हालांकि कभी उन्होंने सुना नहीं था शुभा को उनका नाम पुकारते हुए ठीक तो ऑप्शन नंबर वन इज दी एक्स अगला सवाल बताइए और आंसर बताइए हमको सवाल देखो आंसर बताओ सब लोग और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है अभी तक वो सेशन को लाइक भी कर दें अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए ठीक है फिर हमें इसका आंसर बताइए सब लोग चलिए आकरो होना चाहिए आर यू श्योर चलो एंटरटेन्स पीपल बाय डू इन डिफिकल्ट फीड्स आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियां होती हैं इस टाइप का कुछ सेटअप होता है उनका है ना इस टाइप का सेटअप होता है और इस पे चलती हैं वो है ना छोटी छोटी लड़कियां होती हैं नीचे प्लेट रख लेंगी और इस पे सिर पे कुछ मटकी रख लेंगी और वॉक करेंगी रोज तो ये एक्रोबैट्स होती हैं ऑप्शन नंबर टू है ना ठीक चलो अगला सवाल बताइए आंसर देखें कौन इसका आंसर दे पाएगा कम ऑन एवरी वन जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग क्या लग रहा है सही जवाब कम ऑन एवरी वन फास्ट आंसर बताओ जल्दी जल्दी से कैन यू डैश बिटवीन दीस टू शेड ऑफ ग्रीन इन दोनों ग्रीन शेड्स के बीच में क्या तुम अंतर बता पाओगे ऑफ ग्रीन ऑप्शन नंबर वन डिस्ट्रैक्ट का मतलब भटकाना डाइवर्ट का मतलब भी भटकाना और डिटेक्ट का मतलब किसी चीज को परखना समझना डिटेक्ट करना ठीक चलो पकड़ लेना बेसिकली द नेक्स्ट वर्ड इज बी ए एन जी बैंक कौन इसका आंसर देगा सभी लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से गाइज लेट मी टेल यू ऑल कि क्योंकि आप लोग मुझे इतने डर लग रहे हो सेशन पे आर आर मतलब प्लस पीपल बट देर आर जस्ट टू हंड्रेड समथिंग लाइक्स तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सीजीएल का सेशन डेली बेसिस पे चलना चाहिए अब क्योंकि मुझे एम का एक बजे से, से सेशन भी लेना है और उन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा एनर्जी लेवल आज शो किया है तो अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन चलना चाहिए तो थोड़ा सा एनर्जी आप भी शो करो यार है ना क्योंकि फिर एक सेशन को अगर मुझे कभी बंद करना पड़ा तो कहीं वो ये ना हो ठीक है ना चलिए बैंक का मतलब क्या होता है एक जो धम्म सी आवाज होती है दैट इज बैंक इनमें से सिर्फ एक वर्ड है बीट है ना बीट करने से किसी चीज को पीटने से आवाज आती है तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहां पर आंसर हो गया है ठीक चलो अगला सवाल है आपके सामने जल्दी से आंसर बताइए जल्दी जल्दी कम ऑन वन द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम क्या होगा आंसर The concept became too much clear to me after my tutor showed me the diagram. batao sab log iska answer Clear क्या है? एक adjective है। और adjective के साथ too much नहीं much too लगता है। समझ में आया?

देखते हैं कौन देता है इसका आंसर लेट्स सी शी हिम व्हाई ही वाज क्राइंग बट ही डू नॉट आंसर क्या लग रहा है आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से अब देखिए, डिड नॉट आंसर पूरा जब पास्ट में चल रहा है तो पास्ट ही तो होगा यहां पे, है ना वॉज क्राइंग डिड नॉट आंसर हो जाएगा ठीक डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा मत देना ठीक है अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बिल्कुल सही है आंसर बताओ सारे क्या कह रहा है फ्राइड फूड यूजअली अग्री टू मी क्या होगा अग्री टू समथिंग अग्री विद सम है ना अग्री के साथ टू और विद दोनों लगते हैं टू भी लगता है विद भी लगता है तो अग्री टू समथिंग ठीक अग्री विद ऑप्शन नंबर टू इज आंसर ठीक है आगे चलिए अगला सवाल झट से आंसर बताओ क्या बोल रहा है सभी लोग बताइए आंसर बताइए सभी लोग गाइस कम ऑन एवरीवन देखे कौन इसका आंसर दे पाता है लेट्स सी माय मदर केम एंड आई सर्व हर विद स्टीमर कप ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी का मतलब एकदम गर्मा गर्म कॉफी है ना स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी विद स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी ठीक अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है झट से आंसर बताओ हमें सभी लोग ट्रेडिशनल स्पैनिश फूड क्या बोला जा रहा है यहां पे इसके लिए बताइए जरा सब लोग डिलिशियस ट्रेडिशनल स्पैनिश फूड इज ऑब्वियसली द मोस्ट डिलिशियस क्यों होगा यहाँ पे किसी से कंपेरिजन तो हो नहीं रहा है और तो यहाँ पे डिलिश मोस्ट या फिर मोर लगने का कोई सवाल नहीं है ऑप्शन नंबर थ्री इसकी आंसर इंडिपेंडेंटली सिर्फ ट्रेडिशनल स्पेनिश फूड की बात हो रही है ठीक है आगे देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन इज से This. What are you? बताइए ब्रेव इनफ पक्का इनफ पहली चीज तो इनफ के साथ जब भी एडजेक्टिव आता है ना वो हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में आएगा तो ब्रेवेस्ट नहीं होगा, ब्रेवर नहीं होगा ऑप्शन नंबर वन ब्रेव इनफ होगा इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब भी आएगा एडजेक्टिव ही आएगा अगला बताइए इसका आंसर जल्दी से क्या लग रहा है I look forward to attend your wedding anniversary on twenty fifth. देखे कौन दे पाएगा आंसर आंसर बताइए भाई सब लोग Attending चलिए आई लुक फॉरवर्ड टू अब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि टू प्लस वी वन तो हम सबने पढ़ रखा है है ना? Plus V1 है ना हम सबको पता लेकिन जब भी आप लुक फॉरवर्ड टू लगाओगे ये एक स्पेशल फ्रेज है जिसके बाद हमेशा वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती है ये टू प्लस वी वन का एक्सेप्शन है तो अटेंडिंग हो जाएगा आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग योर वेडिंग एनिवर्सरी ठीक चलो ये स्मार्ट बुक्स हैं एस की जो आपको Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम और सारे सब्जेक्ट की किताबें अवेलेबल हैं ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने देखें कौन उसका आंसर दे पाएगा चलिए झट से आंसर बताइए ऑप्शन नंबर वन हि सैलरी इज नॉट एडिक्वेट फॉर हिम टू मेक बोथ एंड मीट, क्या हो जाएगा टू मेक बोथ एंड मीट। ठीक बोथ एंड मीट का मतलब क्या होता है गुजारा कर लेना है ना अपनी रोजी चला लेना गुजारा करना होता है बोथ एंड मीट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेक बोथ meet ऑप्शन नंबर वन अब यहां पर क्योंकि ईडियम में हम कभी वर्डिंग चेंज नहीं करते हैं ईडियम एज इट इज जैसा होता है वो वैसा ही हमें यूज करना होता है ठीक चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए तीन सौ लाइक तक नहीं पहुंच पाए हो इतने डल हो आप लोग सोच लीजिए एनर्जी इतनी कम है तो कैसे काम चलेगा यू गाइज आर थ्री हंड्रेड प्लस बट नंबर ऑफ लाइक्स आर जस्ट टू हंड्रेड समथिंग क्या लग रहा है आंसर ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है टू थ्री वन टू थ्री वन ये होता है ना पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए तो यू you, फिर योर ब्रदर फिर आए यू योर ब्रदर एंड आई विल बी पार्टनर्स ठीक है चलो अगला सवाल देखो और आंसर बताओ क्या लग रहा है अगले सवाल का आंसर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गाइस मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में दे दिया है ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको मेरी सारी क्लासेस चाहिए नोटिफिकेशन चाहिए सारे क्लासेस के प्लस पीडीएफ चाहिए तो ठीक है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं चलिए बताइए ही प्लेस क्रिकेट एंड टेनिस टू वो क्रिकेट के साथ साथ टेनिस भी खेलता है तो ही प्लेस क्रिकेट एंड टेनिस टू कुछ लोग बोथ दे रहे हैं कैसी बातें करते हो टेनिस टू ठीक चलो बोथ लगना होता तो वो पहले लगता है बाद में लास्ट में कभी बोथ नहीं लगता ठीक है ना हम इनफॉर्मली भले बोल ले लेकिन लास्ट में ग्रामेटिकली कभी बोथ नहीं लगता चलिए बताइए अगला सवाल सब लोग झट से इसका आंसर दो फटाफट से एलई एर एन टी लर्ंट काफी सारे लोग यहां पर लर्ंट बोल रहे हैं इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मान लिया जाए क्या इट इज टाइम द सिक्स इयर ओल्ड लर्न हाउ टू मतलब वो सीख गया है लर्न हाउ टू रीड एंड राइट ठीक है अब क्योंकि इट इज टाइम इट इज हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम ये तीन फ्रेजेस हैं इन तीन फ्रेजेस के बाद आपका हमेशा पास टेंस आता है इनके बाद हमेशा पास टेंस आता है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा आएगी इसलिए यहां पे लर्न लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर वन क्लियर हुआ ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक चले आगे अगले सवाल के ऊपर चलिए आंसर बताइए किसी ने आंसर नहीं देखा है बिना देखे खुद के दिमाग से लगा के आंसर बताइएगा क्योंकि यार चीटिंग करने का क्या ही फायदा है है ना खुद से आंसर दो Unless, until के साथ हमेशा simple ही लगता है। जिस clause में unless, until है है? जिस में लगेगा। कर लिए इतने बड़े चीटर हो आप लोग। <laughs> ठीक चलो अगला सवाल बताइए झट से हाँ हाँ नहीं देखा नहीं देखा हम समझ के बताइए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप एक दिन में एक आंसर तो हम रिवील करते ही करते हैं ये हमारा रूल है आप लोगों को तो पता ही होगा <laughs> एक दिन में एक आंसर हमसे रिवील होता ही होता है यार मिनिमम चलिए बताइए हाज हो जाएगा अच्छा क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ क्या लगता है सिंगुलर वर्ब मोस्ट ऑफ द केसेस में लगता है जब में, जब तक उसमें इंडिविजुअलिटी ना आए और डिविजन ना हो है ना हमेशा क्या लगता है सिंगुलर हाँ, लगता है सो क्राउड हैज़ ऑलमोस्ट वन सिक्स ऑफ द क्राउड हैज़ हैज्य ठीक अगला सवाल देखिए और जल्दी इसे आंसर बताओ सब आंखें धोल कर भूल गए यार ये तो बहुत बढ़िया है है ना देखा कितने अच्छे हैं हम एक क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं चलो अच्छा आंसर बताओ इसका ही हैज नॉट बीन and कैन नेवर अभी तक उसने क्या नहीं किया है और आगे भी वो क्या नहीं करेगा क्या नहीं कर सकता इसकी बात हो रही है सो ही हैज नॉट एंड कैन नेवर बी

हां जी तो दोस्तों यही था आपका आज का आखिरी सवाल अब कुछ चीजें आप लोगों को करनी है उनमें से सबसे पहली चीज है कि यार सेशन को लाइक कर दो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आपको लग रहा हो कि आपके टीचर ने एफर्ट्स किए हैं प्लस ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिल्कुल सीधे आपके लिए लाइक करना और हमारे लिए भी ठीक तो टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में दे दिया है ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ मैं हमेशा वहीं पर अपलोड करती हूँ प्लस दूसरी चीज क्योंकि टीपीएल चल रही है आखिरी दो दिन आपके पास बचे हुए हैं टीपीएल के जिसमें आप जीत सकते हो टेक्स्ट बुक की ओर से आईपैड बिल्कुल फ्री में आपको क्या करना है सिर्फ टेक्स्ट बुक पास लेना है जो कि आपको इस समय मिल रहा है थ्री नाइन नाइन में डेढ़ साल का तो पहला सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि छह महीने का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है थ्री नाइन नाइन में डेढ़ साल का टेक्स्ट बुक पास मेरा कोड आप जैसे ही इस्तेमाल करोगे पेमेंट के टाइम पे तो पहली चीज तो आपका दस परसेंट लेस हो जाएगा यानी कि आपको सिर्फ थ्री सिक्सटी रुपीज में मिलेगा डेढ़ साल का टेक्स्ट बुक पास दूसरी बात आपका नाम लकी ड्रॉ में आ जाएगा और हर दिन एक लक लकी ड्रॉ से एक लकी विनर जीतेगा टेक्स्ट बुक की ओर से फ्री आईपैड समझ में आया ठीक है अब मैं आपको तरीका बता देती हूं आप किस तरीके से इसको परचेज कर सकते हैं मेरा कोड यूज कर सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वीडियो चल रही है नीचे आइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लिंक है इसको क्लिक कर लीजिए पहला लिंक आप जैसे ही क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे टेक्स्ट बुक पास के पेज पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं कि आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मंथली टू नाइन नाइन ईयरली सब्सक्रिप्शन थ्री नाइन नाइन का होता है लेकिन यहाँ पे छह महीने फ्री है आपके लिए अभी दो दिन के लिए सिर्फ दो दिन यहां पर बचे हैं याद रखिएगा लाइफटाइम 599 थोड़ा सा नीचे आइए राइट हैंड साइड में लिखा है ना अप्लाई कूपन इस पे क्लिक करके आपको मेरा कोड लगाना है यहाँ पे क्या कोड है ए एन एस पी ए डबल एस ए एन एस पास ए एन एस पी ए डबल एस ए एन एस पास ये कोड आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपके रेट्स और कम हो जाएंगे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यानी कि लाइफटाइम 540 का थ्री नाइन नाइन से थ्री सिक्सटी फाइव नाइन नाइन से फाइव फोर्टी आपको जो पसंद आए आप वो सिलेक्ट करके परचेज कर लीजिए और हर दिन मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए क्या पता जीत जाओ आप एक आई पैड और टेस्ट देकर आपका सिलेक्शन भी हो जाए तो यू नेवर नो कि किस साल आपकी किस्मत चमकने वाली है तो इसके लिए थोड़ा सा बोलता है ना कि भगवान भी उन्हें ये मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं कहीं पर बैठे-बैठे चमत्कार नहीं होते हैं है ना खुद की मदद करनी पड़ती है तो अपनी तरफ से हार्ड वर्क करिए क्या पता आपके हाथ में आईपैड भी हो और सरकारी नौकरी भी तो है ना इसके लिए खुद को आपको लगाना पड़ेगा हर दिन मौकेस देना पड़ेगा मेरे दोस्त ठीक चलो मिलते हैं आपसे रात के 10 बजे वाली क्लास में टिल देन बाय बाय एवरीवन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे बाय गाइस